सो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं टेक बंटी। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी करंट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे कि अभी आप इस वक्त मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप अपनी लोकेशन को यूपी की लोकेशन में सेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यार ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों यार, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा अभी फ़ोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड है और मैं अभी आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा देता हूँ कि मेरी करंट लोकेशन इस वक्त क्या है। दोस्तों इस वक्त मेरी करंट लोकेशन है दिल्ली और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं मेरी करंट लोकेशन को। दोस्तों अब मैं आपको इस अपनी करंट लोकेशन को चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों उस ऐप का नाम है GPS इम्यूलेटर। दोस्तों ये ऐप आपको बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों इस ऐप की जो है 1 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोडिंग हुई है और दोस्तों इस ऐप की 4.4 की रेटिंग है और मैं आपको इस ऐप का लोगो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों 5.5 MB का ये ऐप है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों जैसे ही ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद में आपको MIUI वर्जन को 5 बार टैप करना है। दोस्तों उसके बाद में आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास में एक MI का फ़ोन नहीं है तो आपको YouTube पे सर्च करना है कि आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को किस तरीके से इनेबल करते हैं। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है और उसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप और यहाँ पे आपको GPS इम्यूलेटर वाले ऐप पे एक बार टैप कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको फिर इस ऐप को ओपन करना है। इस ऐप पे जाना है, आपको आई एग्री पे एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं ये ऐप आपके फ़ोन में वर्क करने लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको अपनी जो है लोकेशन चेंज करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त जो मेरी लोकेशन है वो मैंने हरियाणा की सेट करी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे सेट करी, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको गूगल मैप पर कोई सी भी लोकेशन सर्च करनी है जिसे आप सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे हरियाणा की लोकेशन सेट करनी है तो मैं यहाँ पर हरियाणा लिख देता हूँ और यहाँ नीचे की साइड में आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। शेयर वाले पे दबाना है और GPS इम्यूलेटर वाले ऐप पे एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आप जैसे यहाँ पे ग्रीन वाले ये जो आइकन है इस पे दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करके दिखाता हूँ कि जो मेरी करंट लोकेशन है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी करंट लोकेशन दिखा रहा है तहसील हरियाणा की। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी करंट लोकेशन है वो चेंज हो गई है और दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपनी करंट लोकेशन को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।